Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Bulot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. Neurodevelopmental disorder, DSM-5 को after introduction जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है हमारे पास लिस्ट में वो है न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर। यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, जो DSM-5 है यहाँ पे इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू DSM-4, ठीक है। और इसके जो सेक्शन 1 है उसमें इंट्रोडक्शन, यूज़ ऑफ मैनुअल, कॉशनरी स्टेटमेंट फॉर फॉरेंसिक यूज़ ऑफ DSM-5 वो है। और जो सेक्शन 2 है उसमें जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स हैं, और उसमें जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको एक तरतीब में जो है वो बताया गया है। अब जो न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास डिसऑर्डर हैं, पेज नंबर 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। और उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और एंग्जायटी डिसऑर्डर, एक तरतीब में इन सब डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कि सबसे पहले वो डिसऑर्डर्स जो कि बच्चे के अंदर जो है वो बाय बर्थ आते हैं वो डिसऑर्डर्स आ गए, उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया आ गया, बारी बारी ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं ये एक्सप्लेन हुए हैं। सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो है न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब इस डिसऑर्डर के नाम से ही जाहिर है कि न्यूरो यानी रिलेटेड टू न्यूरॉन नर्वस सिस्टम, और डेवलपमेंटल पीरियड यानी ये बाय बर्थ ये डिसऑर्डर होते हैं। अब जो न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये बेसिकली एक ऐसी ग्रुप ऑफ कंडीशंस होते हैं जिनका ऑनसेट ही डेवलपमेंटल पीरियड होता है, और ये मैनिफेस्ट कब करते हैं, अर्ली डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। जब बच्चा जो है वो स्कूल ग्रेड्स में इंटर हो रहा होता है तो जो डेवलपमेंटल डेफिसिट्स हैं, उसकी इम्पेयरमेंट्स हैं, वो सारी फिर नज़र आने लग जाती हैं। बाज़ बच्चों की उससे पहले ही नज़र आने लग जाती हैं और बाज़ की जो है वो स्कूल ग्रेड्स में इंटरिंग से पहले जो है वो नज़र आती हैं। इसमें इम्पेयरमेंट जो है उसकी पर्सनल लाइफ में, सोशल एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उनमें उसके जो है वो इम्पेयरमेंट होगी। अब जो रेंज होती है, जो सिम्टम्स हैं, जो डेफिसिट्स हैं, वो वेरी करता है। एक स्पेसिफिक किस्म की जो सिम्टम्स हैं किसी भी डिसऑर्डर के, कि यही स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे तो हम उसको वो डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे, उधर उससे लेके एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स जहाँ पे ढेर सारे सिम्टम्स आ गए हैं, उन सब डोमेन्स में वो कर सकता है, उसकी जो डेफिसिट्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। उसकी लर्निंग, उसके जो है सोशल स्किल्स, इंटेलिजेंस, सब में, ठीक है। अब जो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं ये फ्रीक्वेंटली को अकर भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये ID के साथ भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा इसको मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता है DSM-4 के अकॉर्डिंग भी, और ICD में भी इसका नाम कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो ऑटिज़म है वो ADHD के साथ भी हो सकता है, हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD जो है ये लर्निंग डिसऑर्डर्स के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट इनका क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें मैं बारी बारी एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी आपको, ठीक है। कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये किसी सिंड्रोम के साथ भी हो सकते हैं किसी किस्म का, और कुछ जो अब कुछ डिसऑर्डर जो सिंड्रोम के साथ हो रहा है वो मज़ीद हर्डल्स पैदा कर देंगे उनका जो एक माइलस्टोन है उसको अचीव करने में। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो वो उसको माइल्ड लेवल का, लेकिन उसको साथ कोई और सिंड्रोम भी हो गया तो वो उसके लिए मुश्किल होगा। उस माइल्ड लेवल को किसी हद तक कवर किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही साथ में कोई सिंड्रोम आ गया तो उसके लिए फिर मुश्किल बन जाएगी। अब जो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डिसऑर्डर है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। बेसिकली इसमें जनरल मेंटल एबिलिटीज़ में जो है वो डेफिसिट आ जाता है। क्राइटेरिया बताने से पहले मैं इसको आपको इसका ओवरव्यू एक तरह से दे रही हूँ। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी जनरल एबिलिटीज़ है, मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है, एक्सपीरियंस से लर्निंग, उन सब में डेफिसिट आएगा। और फिर ये जो डेफिसिट होगा, ये जो इम्पेयरमेंट होगी, ये फिर उसकी अडॉप्टिव फंक्शनिंग में भी आएगी, कि वो एक जो किसी इंसान के लिए एक स्टैंडर्ड बना होता है कि वो इस एज में पहुंच के इस चीज़ को अचीव करेगा, या इस एज में पहुंच के वो इस तरह के
बिहेव करेगा, इस तरह परफॉर्म करेगा, लेकिन वो उसको नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। उसकी अडॉप्टिव और उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, इंडिपेंडेंस होती है, उन सब चीज़ों पर ये अफेक्ट कर देता है। तो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, इसका ऑनसेट क्योंकि डेवलपमेंटल पीरियड है, इंटेलेक्चुअल और अडॉप्टिव फंक्शनिंग दोनों में डेफिसिट होगा कॉन्सेप्चुअल सोशल प्रैक्टिकल डोमेन्स को लेकर, ठीक है। अडॉप्टिव फंक्शनिंग जो होती है, अब तीन क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया ए हमें कहता है कि डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिस तरह रीजनिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एकेडमिक लर्निंग होगी, एक्सपीरियंस से लर्न करना हो गया, जजमेंट होगी। तो एक इंटेलेक्चुअल जो एक बच्चे के अंदर जितनी भी, एक ह्यूमन के अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं उनमें उसका मसला होगा, और इसको जो है स्टैंडर्डाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड क्लिनिकल असेसमेंट्स के थ्रू इसको कंफर्म किया जा सकता है। सेकेंड क्राइटेरिया में क्या कहते हैं, जो अडेप्टिव फंक्शनिंग है उसमें फेलियर होगा, ठीक है, उसमें डेफिसिट होगा कि वो फेलियर होगा कि वो जो एक लेवल सेट किया गया, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया डेवलपमेंटल और सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स किसी इंसान की इंडिपेंडेंस, पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो उसको पूरा नहीं कर सकेगा। अब पर्सनल इंडिपेंडेंस क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसकी एज जो है वो 5 ईयर्स है, ठीक है। अब 5 साल का बच्चा है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड एक तरह से है कि वो बच्चा स्कूल भी जाएगा, स्कूल ना और नर्सरी क्लास में, अगर नर्सरी में ना सही तो प्ले ग्रुप में वो लाजमी ही होगा। वो स्कूल भी जा रहा है, वो बोल भी रहा है, वो खेल भी रहा है, उसके फ्रेंड्स भी हैं, वो फैमिली के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हुई हुई है, वो अपना काम खुद कर रहा है, वो कपड़े खुद किसी हद तक पहन सकता है, वो जूते पहन सकता है, ठीक है। उसको भूख लगी है वो बता सकता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, अपने उसको कहीं दर्द हो रहा है, कुछ बीमारी है तो वो उसको बता सकता है, ठीक है। पर्सनल इंडिपेंडेंस जो भी वो एक इंसान खुद कर सकता है वो उसको नहीं कर पाएगा जब वो अडाप्टिव फंक्शनिंग में मसला आएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, सोशल उसने दूसरों से मिलना है, बातचीत करनी है, फ्रेंड्स बनाने हैं, जो सोशल सर्कल एक बच्चे का होता है वो उसमें भी फेलियर उसका आ जाएगा, ठीक है। अब जब विदाउट ऑनगोइंग सपोर्ट होगी, सपोर्ट नहीं होगी, जो अडाप्टिव डेफिसिट्स हैं वो उसकी जो फंक्शनिंग है उसको लिमिट कर देंगे, उसकी डेली एक्टिविटीज़ को, उसकी कम्युनिकेशन को, सोशल पार्टिसिपेशन को, सब चीज़ों को वो लिमिट कर देंगे। एक और सिर्फ एक जगह नहीं, मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में, ठीक है, घर में, स्कूल में और काम पे, कम्युनिटी में, उसकी अब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ उसके अंदर नहीं है, फिर अडैप्टिव डेफिसिट आ गया तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से उसको सपोर्ट फिर यहाँ पे चाहिए होगी। क्राइटेरिया सी जो है लास्ट क्राइटेरिया इसका, वो हमें कहते हैं जो ऑनसेट है इसका इंटेलेक्चुअल एंड अडाप्टिव डेफिसिट का, ये डेवलपमेंटल पीरियड है। फिर जो है इसके आगे से स्पेसिफाइड है हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ठीक है। अब ये तीन लेवल्स आते हैं स्पेसिफाइड की तरफ अगर हम लोग जाएँ, जो वेरियस लेवल ऑफ सिवेरिटी हैं, ठीक है, उनको अडॉप्टिव फंक्शनिंग के ऊपर डिफाइन किया जाता है, आईक्यू स्कोर्स के ऊपर नहीं। सिवेरिटीज़ के लेवल को अडॉप्टिव फंक्शनिंग के ऊपर डिफाइन किया जाता है, आईक्यू के ऊपर नहीं, क्योंकि जो अडॉप्टिव फंक्शनिंग होती है वो डिटरमाइन करती है कि आया इसको सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, और उस वो बगैर किसी और के सहारे के वो सर्वाइव कर सकता है नहीं कर सकता है, ये सारी उसकी अडॉप्टिव फंक्शनिंग जो है वो डिस्क्राइब करती है। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली तीन डोमेन्स बताएंगी, डायग्नोस्टिक फीचर्स बता रही हूँ पहले, उसके बाद मैं जो उसकी सिवियरिटी लेवल्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब डायग्नोस्टिक फीचर्स हमें क्या कह रहे हैं कि जनरल एबिलिटीज़ में जो है वो डेफिसिट होगा, इम्पेयरमेंट होगी, जो अडॉप्टिव फंक्शनिंग है और इंडिविजुअल की एज, जेंडर और सोशो कल्चरल जो मैच्ड फंक्शनिंग है वहाँ पे मसला आ जाएगा, वो उसको कवर अप नहीं कर पाएगा, ऑनसेट इसका डेवलपमेंटल पीरियड है। अब इन चीज़ों को मेजर करने के लिए स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल असेसमेंट यूज़ की जाती है, डिफरेंट आईक्यू टेस्ट है और उससे इसको मेजर किया जाता है। और जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो एक टेस्ट अगर बार बार कराएं बच्चे से,
ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस इफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे ये है कि आप एक टेस्ट यूज़ कर लें या एक दफ़ा ही टेस्ट यूज़ कर लें, या फिर आप एक टेस्ट के दो पार्ट कर लें उस तरीके से, ताकि आपको बच्चे की एग्जैक्ट कंडीशन का पता भी लग जाए। फ्लाइन इफेक्ट जो है वो, और फ्लाइन इफेक्ट भी ना आए कि ओवरली हाई स्कोर्स आ जाए हमारे पास आउट ऑफ डेट टेस्ट फॉर्म्स की। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है जो अडाप्टिव फंक्शनिंग है वो बताती है कि सिवियरिटी लेवल को। ठीक, अब अडाप्टिव फंक्शनिंग में तीन चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन। तीन डोमेन्स हैं अडाप्टिव फंक्शनिंग की। इन तीन डोमेन में जिसमें जितना डेफिसिट होगा वहाँ पर वहीं ज़्यादा मसला होगा, जितना सिवियरिटी लेवल होगा उतना ही ज़्यादा इन तीनों डोमेन्स में मसला आ जाएगा। सबसे पहले जो कॉन्सेप्चुअल डोमेन है उसमें आ जाती है कॉम्पिटेंस, मेमोरी, लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, रीजनिंग, इक्वेस्टेशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट इन नॉवल सिचुएशन। ठीक है, जो प्रैक्टिकल जो सोशल डोमेन है, सॉरी, इसमें हमारे पास आ जाती है थॉट्स, फीलिंग, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एम्पथी होती है, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है कि वो दूसरों के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, उसके फ्रेंड्स हैं कि नहीं, उसके उसका सोशल सर्कल है कि नहीं, जहाँ पे वो आराम से जाए, दूसरों से कम्युनिकेट करे, अपनी बात कन्वे कर सके। फिर आ जाती है प्रैक्टिकल डोमेन, मनी मैनेजमेंट, रिक्रिएशन, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, अपनी केयर आ गई। ठीक है, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट आ गई जितने भी अक्रॉस लाइफ सेटिंग्स, तो आ गया। अब जो अडाप्टिव फंक्शनिंग है इसको जो है क्लिनिकल एवेल्युएशन और इंडिविजुअल जो कल्चरली अप्रोप्रिएट जो साइकोमेट्रिकली साउंड मेयर्स हैं उनसे मेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइज मेयर्स क्या हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं भाई इसका जो अडॉप्टिव फंक्शनिंग है वो है कि नहीं है। उसकी जो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेंट्स होंगे, पेरेंट्स हो गए, बाकी फैमिली मेंबर्स हो गए, टीचर्स हो गए, केयर प्रोवाइडर्स हो गए हैं, तो उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आया भाई इस बच्चे का या इस इंडिविजुअल का रवैया कैसा है, इसको इन डोमेन्स में या इन चीज़ों में मसला होता है नहीं होता है, तो उनसे एक तरह से लिया जा सकता है। ठीक है, एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास एजुकेशनल, डेवलपमेंटल, मेडिकल और हेल्थ एवोल्यूशंस हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग्स हैं, उनके स्कोर्स को यूज़ किया जा सकता है। अब क्राइटेरिया बी, क्योंकि मैंने पहले भी जो स्पेसिफायर्स हैं और उसमें बताया था कि जो अडॉप्टिव फंक्शनिंग में जो डिसेबिलिटी है वो बताती है सिवियरिटी लेवल को। अब क्राइटेरिया बी जो है, ठीक है, जो अडॉप्टिव फंक्शनिंग है ना उसकी तीन डोमेन्स है, कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल, तीनों में से किसी एक के साथ एटलीस्ट वो लाजमी मीट करेगा और उससे उस वजह से उसकी जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ हैं, स्कूल है, वर्क है, होम है, कहीं ना कहीं मसला होगा तो वो उसको डायग्नोसिस दिया जा सकता है। अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट करने के लिए है, जो डेफिसिट है अडॉप्टिव फंक्शनिंग के, वो डायरेक्टली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट से रिलेट करें। मेयर जो है उसकी सिवियरिटी लेवल को मेयर अडॉप्टिव फंक्शनिंग ही करेगी, उसका जो उसकी सिवियरिटी होगी, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वो जो अडॉप्टिव फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट आ रही है, वो जितने भी डोमेन्स हैं कॉन्सेप्चुअल, सोशल, प्रैक्टिकल, इन तीनों के अंदर, तीनों में से जिस भी डोमेन में आ रही है डेफिसिट आ रहा है, इम्पेयरमेंट आ रही है, वो डायरेक्टली लिंक होगी उसकी जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उससे। ठीक है, अब मैं इसके आपको लेवल्स बता देती हूँ। इसके हमारे पास चार सिवियरिटी लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड में क्या होगा,
इसमें अगर एग्जांपल ले लें प्री स्कूल चिल्ड्रंस की, कि उनको अर्थमेटिक्स, राइटिंग, टाइम, मनी, उसमें थोड़ा मसला होगा, और स्पोर्ट किसी हद तक ज़रूरत होगी। अब जब अडल्ट एज में आ जाएँ तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और उनकी जो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग होगी उसमें थोड़ा सा उनको मसला होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में उनको मसला होगा, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कह लें उसमें उन लोगों को मसला होगा, एकेडमिक स्किल्स में थोड़ा उनको जो है वो मसला होगा, रीडिंग, मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में। ठीक है, जब माइल्ड लेवल वाला सोशल डोमेन में अगर देखा जाए तो उनको जो है वो एज़ कम्पेयर टू देयर एज फेलोज़ उनकी जो वो इमेच्योर एक तरह से समझे जाएंगे सोशल इंटरेक्शंस में। ठीक है, उनके लिए एग्जैक्ट वो चीज़ परसीव करना जो उनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। पर प्रैक्टिकल डोमेन में अगर हम आ जाएं तो एज के मुताबिक उनकी जो पर्सनल केयर है उसमें उनको वो फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं पे उनको मसला हो। और जो कॉम्प्लेक्स डेली एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेली टास्क हैं, उनमें उनको मसला हो सकता है, जैसे ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन होगी, होम, चाइल्ड केयर और न्यूट्रिशन, फूड प्रिपरेशन, बैंकिंग, मनी मैनेजमेंट, इन सब में। और रिक्रिएशनल स्किल्स, ठीक है, उनकी एज मेट्स के साथ में भी ना मिलें, जजमेंटल स्किल्स उनकी और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी। अब जब मॉडरेट की बात करें और मॉडरेट को प्रैक्टिकल डोमेन में मॉडरेट को अगर हम लोग देखें तो इसमें जो इंडिविजुअल की कंसेप्चुअल स्किल्स होंगी वो मार्कली बिहाइंड होंगी अपने पीयर्स से। और जो प्री स्कूलर्स हैं उनकी लैंग्वेज और प्री एकेडमिक स्किल्स वो स्लो होंगी, उनकी रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, टाइम अंडरस्टैंडिंग में उनको बहुत मसला होगा एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स, वो पीछे होंगे। और उनको ऑन गोइंग असिस्टेंस चाहिए होगी डेली बेसिस के ऊपर, ताकि जो कंसेप्चुअल टास्क हैं डे टू डे लाइफ वो उसको मुकम्मल कर सकें। अब मॉडरेट को सोशल डोमेन में अगर हम लोग देखें, जो इंडिविजुअल है वो मार्क लेवल के डिफरेंसेस शो करेगा सोशल और कम्युनिकेटिव बिहेवियर में अपनी डेवलपमेंट के अक्रॉस, उसके जो डेवलपमेंटल एज है उसकी नस्बत एक मार्क लेवल की सोशल कम्युनिकेटिव बिहेवियर उसका जो है वो अफेक्टेड होगा। ठीक, स्पोकन लैंग्वेज में उनको मसला हो सकता है, कैपेसिटी ऑफ रिलेशनशिप्स जो एक फ्रेंड्स और फैमिली के साथ होता है उसमें उनको मसला होगा, लेकिन ये लोग बना सकते हैं सक्सेसफुल फ्रेंडशिप क्रॉस लाइफ। ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में उनको समटाइम्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल जो है ये सोशल क्यूज़ को इंटरप्रेट नहीं कर सकते जो ये परसीव कर रहे होते हैं एग्जैक्ट कि वो सोशली उनको क्या कहा जा रहा है। सोशल जजमेंट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, उसमें इनको केयर टेकर की और एक बंदे की असिस्टेंस चाहिए होती है विद थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, विद लाइफ डिसीजंस के लिए उनको। अब जब मॉडरेट लेवल को प्रैक्टिकल डोमेन में हम लोग देखते हैं तो इंडिविजुअल जो हैं उसको पर्सनल केयर नीड के लिए ईटिंग, ड्रेसिंग, एलिमिनेशन, हाइजीन, अडल्ट में एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टीचिंग टाइम उसको चाहिए होता है। इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इन चीज़ों में इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन उसको रिमाइंडर फिर भी चाहिए होगा। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो ईटिंग, ड्रेसिंग, एलिमिनेशन, हाइजीन, हर चीज़ में उसको फिर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसको टीचिंग चाहिए होती है, बाकायदा उसको ये सिखाना पड़ता है। ठीक, इसके अलावा उसको उन लोगों को सोशल एक्सपेक्टेशन, जॉब कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी भी शेड्यूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ बेनिफिट्स, मनी मैनेजमेंट, इन सब में फिर उनको असिस्टेंट चाहिए होती है। एक रिक्रिएशनल स्किल जो होती है वो डेवलप हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें उनको फिर भी एडिशनल सपोर्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। मेल अडॉप्टिव बिहेवियर जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी के अंदर प्रेजेंट होता है और सोशल प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है। अब अगर हम लोग देखें जो सिवियरिटी लेवल में सिवियर लेवल है उसकी कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन में, तो कॉन्सेप्चुअल डोमेन में उनकी जो सोशल स्किल्स होंगी वो बहुत लिमिटेड होंगी, बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होगी रीडिंग राइटिंग की और क्वालिटी ऑफ टाइम की, नंबर्स की, मनी की, केयर टेकर को एक्सेसिव जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी
एक्सटेंसिव स्पोर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, अब सोशल डोमेन में देखा जाए स्पेरिटी को, तो स्पोकन लैंग्वेज है उनकी क्वाइट लिमिटेड होगी इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी और ग्रामर, क्योंकि उनको राइटिंग लैंग्वेज की उस तरह से समझ नहीं है, तो उस वजह से ये भी उनकी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो भी कम होगी, स्पीच भी उनकी कम है, वर्ड्स फ्रेसेस। तो जो स्पीच और कम्युनिकेशन है वो फोकस होगी यहाँ पे नो विद इन एवरी डेज इवेंट। ठीक है, अब उनकी स्पीच ही लिमिटेड है तो कैसे कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब बेसिकली लैंग्वेज ही तो यूज़ होती है कम्युनिकेशन के लिए। प्रैक्टिकल डोमेन में देखें तो इंडिविजुअल को फुल सपोर्ट चाहिए होगी, जितने भी उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसे सुपरविजन की ज़रूरत होगी। जो स्किल इक्वेस्ट्रेशन है, जितनी भी डोमेन्स हैं इन टर्म ऑफ टीचिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म टीचिंग उसको चाहिए होगी। लेकिन मैल अडाप्टिव बिहेवियर यहाँ पर भी उनमें मौजूद होगा, वो सेल्फ इंजरी कॉज कर सकते हैं और एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी में ही प्रेजेंट होता है। अब मेल अडेप्टिव बिहेवियर यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, अब जैसे सोशल डोमेन में है या कॉन्सेप्चुअल डोमेन में है कि उनकी जो रिटन लैंग्वेज है उसकी जो समझ है उनको इतनी खास नहीं आती। ठीक है, उनकी जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं वो नहीं सही, उनका जो वर्ड्स हैं फ्रेजेस हैं वो उनको पास उनके पास सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है और एक लिमिटेड टर्म है उनके पास। अब जब वो अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, वो जो कहना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आएगा और वो गुस्से में ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरे को भी। लास्ट स्टेज है प्रोफाउंड स्टेज, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो उनकी होंगी वो फिज़िकल वर्ड रादर देन सिम्बॉलिक केसेस। ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को बता सकते हैं कि एक गोल डायरेक्टेड फैशन ऑफ केयर वर्क एंड रिक्रिएशन। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रीडिंग राइटिंग वाला काम यहाँ पे होगा ही नहीं। सोशल डोमेन में भी उनकी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होगी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की, स्पीच और जेस्चर की। ठीक है, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन या एक सिंपल जेस्चर ही वो समझ पाएंगे और बहुत ही सिंपली वो अपने नॉन वर्बल या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के थ्रू ही वो अपनी डिज़ायर या इमोशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे और सिर्फ अपने जो रिलेशनशिप है एक वेल नोन फैमिली मेम्बर जो उनके बहुत करीब है, उनका केयर टेकर है, वो उसी के सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे या उसके साथ खुश भी रहेंगे। प्रैक्टिकल डोमेन में इनको तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ में, केयर में, सेफ्टी में, हेल्थ में इनको असिस्टेंस चाहिए होगी। अब जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें फिज़िकल इम्पेयरमेंट नहीं है वो असिस्ट उनको किसी हद तक वो घर के कामों में जो है वो हेल्प करा सकते हैं फैमिली मेम्बर के। ठीक है, खुद उनको चाहिए होगी लेकिन वो फिर भी करा सकते हैं, जिनको अब फिज़िकल डिसेबिलिटी है उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल ये म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे, मूवीज़ देखना, वॉक करना और जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं विद ऑल सपोर्ट ऑफ अदर्स ये उसको करना पसंद करेंगे, इनकी एक तरह से ये रिक्रिएशन होगी। और कोकरिंग फिजिकल और सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है वो फ्रीक्वेंट होंगी, बैरियर्स ऑफ पार्टिसिपेशन होगा होम रिक्रिएशन और वोकेशनल एक्टिविटीज़ में, मेल अडेप्टिव बिहेवियर भी प्रेजेंट होगा और सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी में। अब जहाँ पे डायग्नोस्टिक फीचर्स के बाद मैंने आपको बताया जो उसके सिवियरिटी लेवल्स थे, स्पेसिफायर्स थे, वो अब जो एसोसिएटेड फीचर सपोर्टिंग डायग्नोसिस हैं वो आ जाते हैं। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये हेट्रोजीनियस हो सकती है कई केसेस में। ठीक है, ये एसोसिएट कर सकती है सोशल जजमेंट के साथ, असेसमेंट ऑफ रिस्क, सेल्फ मैनेजमेंट बिहेवियर, इमोशंस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मोटिवेशन, स्कूल, वर्क एनवायरनमेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, वो सब चीज़ें। अब जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे प्री डिस्पोज टू डिस्ट्रप्टिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है। किस तरह से, अब वो एक बात बताना चाह रहा है सामने वाले को, वो बताना चाह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारी बात बुरी लग रही है, तो वो नहीं सुन पा रहा या उसको बता नहीं रहा, तो इस सूरत में वो एग्रेसिव और जिसे कहते हैं कि एक डिस्ट्रप्टिव किस्म का वो बिहेवियर शो करेगा। गुलाइबिलिटी होगी उसमें, जो सोशल सिचुएशंस हैं उनमें वो शो कर सकता है और ईजीली जो है इनको दूसरे अपने उस तरह से वो मोल्ड कर सकते हैं, उसमें ला सकते हैं। अब जो
गुलाइबिलिटी की वजह से, लैक ऑफ जिद्दीपन, गुलाइबिलिटी जिद्दीपन, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रिस्क, ठीक है। अब जब उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि वो कोई काम करेंगे और उससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है या किसी और को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये चीज़ जो है उनके लिए हो सकता है कि पॉसिबली उनको वो विक्टिमाइज हो जाएं, फ्रॉड हो जाए, अनइंटेंशनल क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट उनकी हो जाए, फॉल्स कन्फेशंस हो जाए उनसे, या उनका फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब जो ये एसोसिएटेड फीचर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं जब क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में अगर कोई इस तरह का बंदा इन्वॉल्व है तो सारे एसोसिएटेड फीचर्स को भी देखा जाता है, आया भाई इसके ये सिम्टम्स हैं तो एसोसिएटेड फीचर्स में ये बात आ रही है, तो आया कहीं इसको किसी ने यूज़ तो नहीं किया अपने मकसद के लिए, ठीक है। प्रेवलेंस की तरफ अगर हम लोग आएँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो जनरल पॉपुलेशन में इसकी प्रेवलेंस है 1% है, और ये रेट जो प्रेवलेंस रेट्स हैं ये वेरी करते हैं बाय एज, ठीक है। जो स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 per 1000 है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ अगर हम लोग आएँ तो जो ऑनसेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वो डेवलपमेंटल पीरियड है, एज और करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं उसके, ये इनकी जो ये डिपेंड करते हैं एटियोलॉजी के ऊपर और जो ब्रेन डिसफंक्शनिंग है उसके ऊपर क्या करते हैं, डिलेड मोटर्स लैंग्वेज सोशल माइलस्टोन एंड मे बी आइडेंटिफाइबल विद इन द एज ऑफ फर्स्ट 2 years, जिंदगी के पहले 2 सालों में किसी हद तक इनका जो डिलेड मोटर लैंग्वेज है या कुछ चीज़ें हैं वो उनकी पता लग जाती हैं। इस तरह एक केस हिस्ट्री मैंने आज ही ली है, तो उनमें उनकी एक तो बोल नहीं पाते थे सही और देख नहीं पाते थे, विद इन 6 months उन लोगों को ये पता लग गया था कि उनके बेबी में ये मसला है, ठीक। अब जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो एसोसिएटेड भी हो सकती है जेनेटिक सिंड्रोम के साथ, ठीक है। और जब उसके करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो फिज़िकल अपीरेंस के, वो डाउन सिंड्रोम के साथ भी मैच कर सकते हैं। कुछ सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं जो बिहेवियरल फिनोटाइप होते हैं जिनको रेफर किया जा सकता है, स्पेसिफिक बिहेवियर जो कि करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर के, ठीक है। इन एक्वायर्ड फॉर्म में जो ऑनसेट है वो में भी अब्रप्ट हो सकता है, सच जैसे मेनिनजाइटिस की इलनेस हो गई है या कोई और ट्रामा या हेड इंजरी उसकी वजह से उनको हो गया हो। जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो प्रीवियसली जो रिक्वायर्ड होती एक्वायर्ड होती हैं कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है, उनके लॉस का सबब बने इन केस ऑफ सीवियर ट्रामा ब्रेन इंजरी, जो डायग्नोसिस है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर का वो साइड बाय साइड दिया जा सकता है। अगर आईडी की जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर आ रही हैं लेकिन एक सीवियर ट्रामा के बाद या कुछ इस तरह के बाद, तो उसको फिर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर के साथ साइड बाय साइड इसको असाइन किया जाएगा। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तरफ अगर आए, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल जो प्रीनेटल एटियोलॉजीज होती हैं जिस तरह जेनेटिक सिंड्रोम्स हो गए और इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ब्रेन मेल फॉर्मेशन, मैटरनल डिजीजेज और जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है, कहीं से मदर ने कोई ड्रग्स ली हैं, अल्कोहल लिया है या किसी रेज के से एक्सपोजर हो गया है, इस वजह से जीन्स के अंदर ये तो चेंजेस आ गए हैं, बच्चे का नर्वस सिस्टम हो गया, तो उस वजह से भी हो सकते हैं। जो प्रीनेटल केसेस होते हैं उनमें वैरायटी ऑफ लेबर और डिलीवरी रिलेटेड इवेंट्स होते हैं जो के लीडिंग टू न्यूनेटल न्यूनेटल इंसेफेलोपैथी जो होती है उसकी तरफ लीड कर सकते हैं। जो पोस्टनेटल केसेस होते हैं इनमें जो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इन्फेक्शन और सीजर डिसऑर्डर जिसे मिर्गी भी कहा जाता है, तो वो उसकी तरफ ले जा सकते हैं। स्वेयर और क्रॉनिक
सोशल डिप्रिवेशन, टॉक्सिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और इंटॉक्सिकेशन। अब कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की तरफ अगर हम लोग आएँ तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ये तमाम रेसेस तमाम कल्चर्स में पाई जाती है और कल्चरल सेंसिटिविटी और नॉलेज जो है वो इसकी असेसमेंट के लिए ज़रूरी है और इंडिविजुअल्स एथनिक कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड अवेलेबल एक्सपीरियंसेस और एडाप्टिव फंक्शनिंग उसकी कम्युनिटी में जो है वो मस्ट अकाउंट करते हैं। अब जिस तरह से पहले लोगों को इस कुछ इतना खास नहीं पता था इन नफसियाती बीमारियों के बारे में और अभी भी गांव देहातों में कुछ लोगों को नहीं पता, तो आप उनमें जाएं तो अगर कोई आईडी का बच्चा है और उसके साथ वो फिज़िकल डिसेबल भी है तो उसको क्या कह दिया जाता है कि अल्लाह लोग है, इसकी दुआ लगती है और फिर जो है जी उससे दुआएं करवाई जाती हैं और उसका इलाज नहीं करवाया जा रहा होता। लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं है, कई दूर दराज इलाकों में, काफ़ी इलाकों में है, अभी आ रही है थ्रू इंटरनेट सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी लैक ऑफ नॉलेज हमारे कल्चर में भी है। अगर बाहर के से कोई पढ़ के आ रहा है, कोई किसी फॉरेन कंट्री से कोई पढ़ के आ रहा है, जब वो आएगा या किसी वो गांव से केस देखेगा तो जब उनको वो कहेगा कि भाई इसको तो ये बीमारी है तो लोग उसको झुटलाएंगे क्योंकि लोगों को ये नॉलेज नहीं है। तो कल्चर टू कल्चर वेरिएशन आ रही है कि वो सिम्टम्स को कैसे ले रहे हैं, उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है। ठीक है, अब जिस कंट्री से वो पढ़ के आए वहाँ पर तो सबको नॉलेज अगर है तो वो उसको जी फ़ौरन से साइकोलॉजिस्ट के पास साइकेट्रिस्ट के पास लेके आएंगे, भाई आप इसका ट्रीटमेंट करें। यहाँ पे इतनी खास नॉलेज नहीं है, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करेगा उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे, भाई इसे क्या पता है, हम तो यहाँ पे कब से रहते हैं, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता है। ठीक है, जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की तरफ अगर हम आएँ तो मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, 1.6:1। ठीक है, एवरेज मेल रेशो फीमेल है 1.2:1 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए स्वेयर लेवल पे। ठीक है, माइल्ड लेवल पे 1.6:1 और स्वेयर लेवल पे जो एवरेज है वो मेल टू फीमेल रेशो है 1.2:1। ठीक है, जो जेंडर रेशोज हैं ये वाइडली रिपोर्टेड हैं स्टडीज़ में जिनमें सेक्स लिंक्ड जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व आ जाते हैं। और डायग्नोस्टिक मार्कर्स की तरफ अगर आए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो है जिसमें असेसमेंट जो होती है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की, अडेप्टिव फंक्शनिंग की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक या नॉन जेनेटिक एथियोलॉजी की, एवेल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन की और एवेल्यूशन ऑफ कोअकरिंग मेंटल एंड इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर वो उसमें आती है। जो कंपोनेंट्स होते हैं एवोल्यूशन की उनमें प्री और पेरिनेटल मेडिकल हिस्ट्री, थ्री जनरेशन फैमिली हिस्ट्री भी उसमें आ जाती है कि भाई आपकी फैमिली में कहीं किसी और को तो नहीं था, फिजिकल एग्जामिनेशन आ गई है, जेनेटिक एवेल्यूएशन, उस सब चीज़ें इसमें आ जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरह अगर हम लोग आएँ तो अब आईडी जो है वो बाकी कुछ डिसऑर्डर से किस तरह से डिफरेंट है या इसका और उनके साथ क्या आता है। अब जो मेजर और माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है, ठीक है, अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा गया। ठीक है, न्यूरोकॉग्निटिव नहीं, ये एक तरह से ये न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर से डिफरेंट है। ठीक है, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है। मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ। ठीक है, सच इन केसेस में जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर दोनों का डायग्नोसिस दिया जाएगा। अब जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हैं उनमें कॉग्निशन स्पेसिफिक करके बता दिया गया कि कॉग्निटिव एबिलिटी का लॉस है, उस करेक्टरिस्टिक कॉग्निटिव फंक्शनिंग का लॉस है। जो आईडी है यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटीज का लॉस आ रहा है, एडाप्टिव फंक्शनिंग का लॉस आ रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, अब जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये कम्युनिकेशन और लर्निंग डोमेन्स के साथ भी हैं, तो ये जो हैं जिनको लर्निंग डिसऑर्डर होगा या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होगा वो इंटेलेक्चुअल या अडाप्टिव बिहेवियर में डेफिसिट शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये को अकर हो सकते हैं आईडी के साथ, ठीक है, उसका भी क्राइटेरिया मीट कर रहे हों और उसका भी, लेकिन बोथ डायग्नोसिस
तब देंगे जब दोनों को क्राइटेरिया मीट करेगा, तब हम इनको देंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो कॉमनली जो है वो उन इंडिविजुअल्स में हो, उनके साथ होता है, उन इंडिविजुअल्स को भी होता है जिनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। अब जो असेसमेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है सोशल और बिहेवियरल डेफिसिट्स के साथ, क्योंकि बहुत से पॉइंट इसके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साथ मिलते हैं और मुश्किल हो जाता है कि उसको स्पेसिफाई करना। तो डिफरेंट टेस्ट और अप्लाई करके टेस्ट प्रोसीजर्स तो उसको किया जा सकता है, IQ स्कोर्स वगैरह। अब कोमोबिडिटी की तरफ अगर आएँ तो ये मेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल, मेडिकल और फिजिकल कंडीशन जो होती हैं फ्रीक्वेंट होती हैं ID में, जो कि रेट करती हैं कंडीशन को 3 to 4 times हायर होती हैं जनरल पॉपुलेशन में। ये जो प्रोग्नोसिस है और आउटकम है कोअकरिंग डायग्नोसिस का, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसकी प्रेजेंस को। असेसमेंट प्रोसीजर्स रिक्वायर होते हैं, मॉडिफिकेशन रिक्वायर होती हैं, क्योंकि जो इसकी एसोसिएशन है डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ वो यहाँ पे आके कंफ्यूज करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका आपस में जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। यहाँ पे सही नॉलेजेबल इंफॉर्मेंट से लेके इंफॉर्मेशन, उसके जितने भी सिम्टम्स हैं इरिटेटेबिलिटी, मूड डिसरेगुलेशन, सब को फिर यहाँ पे देखना पड़ता है। अब जो मोस्ट कॉमन कोअकरिंग है मेंटल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की, वो ADHD, डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जायटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, मेजर कॉग्निटिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये अक्कर हो सकता है, सीवियरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और सेल्फ इंजरियस बिहेवियर इसमें जो है वो हो सकता है डायग्नोस्टिक अटेंशन के लिए। और एक वारंट होता है कि भाई एक स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर भी इसके साथ हो सकता है। नेक्स्ट, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। अब ये डिसऑर्डर तब देना है जब इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 5 होगा और क्लिनिकल सिवियरिटी लेवल जो होगा वो एक रिलायबली असेस नहीं कर सकेगा एक चाइल्डहुड को, ठीक है। एक इंडिविजुअल के लिए एक जो लेवल सेट है, अब उस बच्चे के अंदर देखा जा रहा है कि ID के जो सिम्टम्स हैं वो भी पूरे नहीं आ रहे, लेकिन अपनी डेवलपमेंटल एज के जो फंक्शनिंग है उस हिसाब से वो बहुत लो जा रहा है, उससे वो डिले है उसका, तब हम उसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे, ठीक।